इस साल रमजान मुबारक का चांद इंशाल्लाह 22 मार्च को देखा जाएगा, और अगर 22 मार्च को चांद हो जाता है तो उसी दिन शब से रात से तरावी शुरू हो जाएगी और पहला रोजा 23 मार्च को होगा, और अगर 22 को चांद नहीं होता है तो तरावी 23 की रात से शुरू होगी और 24 मार्च 2023 को पहला रोजा होगा। तो लिहाजा मेरी सबसे यही गुजारिश है कि पूरे रमजान मुबारक में रोजे रखें, अल्लाह की इबादत करें और उसी के साथ साथ तरावी का खुसूसी एहतमाम करें। और इस साल इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में ख्वातीन और औरतों की तरावी के लिए भी खुसूसी एहतमाम किया गया है, और यहां ईदगाह में रशीद बारदरी में गेट नंबर 7 से ख्वातीन आ सकती हैं और तरावी अदा कर सकती हैं, जो कि इसी माह मुबारक में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। लिहाजा सभी मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम इस माह मुबारक में एक कुरान शरीफ तरावी में जरूर सुने, और औरतें भी इससे महरूम न रहें। लिहाजा ईदगाह में औरतों की तरावी अदा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया है।